फटा तो सर फटा, समझ लो। तो झील से यहाँ तक आने में हमको 15 से 20 मिनट लग गए हैं और हम पहुँच गए रॉक गार्डन। तो अभी लाइन थोड़ी बहुत लगी हुई थी, थोड़ी कम हो गई है। तो जितेंद्र भाई लेने जाएंगे टिकट। टिकट बड़ों की है 30 रुपये और बच्चों की है 10 रुपये। मिल गई तो टिकट मिल चुकी है, चलते हैं अब हम अंदर। गार्डन पे ये कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, रॉक गार्डन फैंटेसी क्रिएटेड बाय नेचर डेडिकेटेड टू द स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हो। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे अब। तो भाई सर बचा के कितने भाई आगे कर रहे हैं इधर भाई सर जुगाड़े भाई, आपकी आईडी बहुत ज़्यादा है, आप पहली बार आए हो अंकल जी यहाँ? काफ़ी बार आ गए हो? बहुत बार आ गए हो। अच्छा अच्छा लगता है जब भी तो आते हैं ना। ठीक है ठीक है। हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं यार यहाँ पे, मज़ा आ रहा है देख के। कितना क्राउड जब होता है ना, मज़ा आ जाता है देख के। ये छोटी छोटी गलियाँ, ये भीड़ लग रही है। भाई कैसा लग रहा है फिर आपको आ जाते यहाँ पर? चलो आज का पूरा दिन घूमे मस्ती करी। अभी देख रहा कैमरे में बताओ। तो पूरा रॉक गार्डन अभी घूमे नहीं हम, अभी थोड़ा सा थक गए तो यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं, बोलो बहुत अच्छा व्यू है भाई, तुम आ जाना यार ठीक है। तो ये रॉक गार्डन का सबसे छोटा गेट है दोस्तों, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमेशा बच के निकलना, अगर यहाँ पे ध्यान हटा तो सर फटा, समझ लो ठीक है। इसमें देख लो दोस्तों कितने सारे सिक्के पड़े हुए हैं, ये पहले के टाइम पे माना जाता था विश पूरी करने वाला। विश पूरी करने वाला क्या है ये? कुआं, कुआं है जिसमें पहले लोग बहुत सारे सिक्के डालते थे और कहते थे जो वो छेद नहीं है छोटा सा, उसमें अगर सिक्का डायरेक्ट चला गया तो जो आपने मांगा है वो पूरा हो जाएगा। पर मुझे लगता है काफ़ी लोगों को निराशा झेलनी पड़ी, इसीलिए अब कोई सिक्का फेंकता नहीं है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप आओ तो टाइम प्रॉपर निकाल के आओ, क्योंकि दोस्तों पूरा दिन भी यहाँ पे कम पड़ जाएगा, क्योंकि मन करेगा यहाँ भी फ़ोटो खिंचा लें वहाँ भी फ़ोटो खिंचा लें। काफ़ी कुछ है देखने के लिए सिर्फ रॉक गार्डन, ये रॉक गार्डन पूरा एक दिन लग सकता है आपका। तो आप ज़रूर आएँ रॉक गार्डन में चंडीगढ़ में, एंजॉय करें जैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी करें। सो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं रॉक गार्डन की एंड जगह पे, जहाँ पे ये रॉक गार्डन ख़त्म होता है। तो यहाँ पे आप देख लो, वहाँ साइड में झूले लगे हुए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। हमने तो पूरे मज़े किया, जितेंद्र भाई की छुट्टी थी तो यार एक दिन छुट्टी का मिलता है तो घूमने आ गए हम। बाकी तो मैं कोशिश करता रहूँगा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप अब कुछ और काम कर लें, मैं ज़रा झूले के मज़े लें।